मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, केस नंबर 2 एंड 3। एक एग्जांपल भी कराया था मैंने, केस नंबर 2 एंड 3 को कंपेयर भी कराया था कि कैसे आप डिफरेंस पता करोगे केस नंबर 2 में और केस नंबर 3 में। ठीक है, केस नंबर 2 जब मैं सॉल्व कराया था एग्जाम्पल, वहां एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी कैलकुलेशन में, वो एलसीएम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसका मैंने कॉमेंट में सॉल्यूशन बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर वहां कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी कैसे करना है, तो आप कमेंट में कैसे करना है मैंने वो बताया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो केस नंबर 1 हो गया था, केस नंबर 2 एंड 3। केस नंबर 1 में आपको जो बुक है, ये आपकी बुक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। केस नंबर 1 जो है वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड 1 का बी पार्ट था, केस नंबर 1 पे बेस्ड। केस नंबर जो 2 मैंने कराया था वो क्वेश्चन नंबर 2A था और 4 था। ठीक, केस नंबर जो 3 मैंने कराया है वो क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, 3A है, 3B है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कई सारे केस दिए हुए हैं। क्लियर, अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क, कोई प्रॉब्लम होगी होमवर्क में तो पूछिएगा। अभी मैं क्वेश्चन कोई केस नंबर 4 कराने जा रहा हूं, ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फिर आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, देन व्हाट विल वी डू, वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड देन फाइनली न्यू रेशियो। अगर ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के फेवर में कुछ प्रॉफिट का अपना हिस्सा सरेंडर करेंगे, उस केस में क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। सिंपल है, जहां पर आपको वर्ड आ जाए सरेंडर, ए एंड बी सरेंडर, ठीक है, जहां सरेंडर वर्ड आएगा मतलब आपको क्या करना है, आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना है, फिर क्या निकालेंगे आप, न्यू रेशियो। ठीक है, शुरू करें, इसको कॉपी करिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 9:6। ए A new partner Z is admitted. X surrender 3/15 of his share, 3/15 share of his profit in favor of Z, and Y 6/15 of his share in favor of Z. Full stop. Calculate new profit ratio. So surrender word आ गया है, क्या निकालेंगे पहले, sacrificing. ठीक है, solution. Calculation of sacrificing ratio. ठीक है, एक्स ने कितना सरेंडर किया, एक्स ने कितना सरेंडर किया, एक्स सरेंडर 3/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, एक्स ने ये लिखा हुआ 3/15 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्स ने कितना किया, 3/15 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, 9:16 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स का शेयर क्या हो गया, 9 अपॉन में सम ऑफ रेशियो मतलब 9+6 15, कितना जाएगा 9/15। फिर से बताते हैं, 3/15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब एक्स एंड वाई का शेयर दिया हुआ है 9:6। एक्स का शेयर क्या हो गया, 9 लिख दिया, डिनोमिनेटर में क्या आता है सम ऑफ रेशियो, इनको ऐड करें कितना आएगा 15। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 27/15 × 15 कितना होगा, 2×5। ठीक है, ये हो गया x का, अब क्या निकालेंगे y का, इसी तरह
वाई कितना सरेंडर किया है, वाई एंड वाई सरेंडर 6/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड, 6/15 × 6/15 36/2 to 5 ये आ गया क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्या निकालना है ड्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। फॉर्मूला लिखवाया था कल, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक्स का ओल्ड क्या है 9/15 माइनस सैक्रिफाइसिंग कितना है 27/2 to 5। ठीक, एलसीएम कितना आएगा इसका और इसका, आप एलसीएम लेंगे 15 and 2 to 5 का, तो आपका एलसीएम आएगा 2 to 5। 15 की टेबल में 2 to 5 आता है 15 times, तो 9 को मल्टीप्लाई करिए 15 से, कितना आएगा 9 × 15 आ गया 135। 135 − 27 फिर कितना आएगा −27 108/2 to 5। ठीक, वाई का 6/15 है माइनस 36/2 to 5, एलसीएम कितने आएंगे 2 to 5 आएगा एलसीएम। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में है वैसे यहाँ पास भी आएगा, 15 आता है 2 to 5 में 15 times, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगी 90। 6 × 15 = 90। ये आता है 1 × 225 × 1 = 225, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 36 × 1 = 36 कितना बचा 90 − 36 = 54/2 to 5 और z आया है z का कितने पार्ट किया है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन x ने कितना सरेंडर किया, ये x ने दिया है z को और y ने ये दिया है z को, तो z को मिला क्या, ये प्लस ये दोनों को ऐड कर दीजिए, z का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि z कितने पार्ट के लिए आया हुआ, ठीक है, तो z को मिला क्या, जो x ने दिया वो मिल गया, जो y ने दिया वो मिल गया, उसको ऐड कर दीजिए, z का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, तो क्या क्या है 27/2 to 5 + 36/2 to 5, दोनों का एलसीएम सेम रहेगा 2 to 5। ठीक है, ये भी सेम, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, कितना हो गया 27 प्लस ये भी सेम है, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 36 कितना हो गया 27 + 36 63/2 to 5। ठीक है, ये क्या आ गया आपका रेशियो। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 108/54/63 ये आपका रेशियो है। ठीक, आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, सिमिलर नंबर से अगर रिड्यूस हो रहा हो तो करिए, जैसे 2 से करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा, ये होगा लेकिन ये रिड्यूस नहीं होगा, 3 से करते हैं तो 3 से ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो 3 से कर लेते हैं। ठीक है, और 3 से ये नहीं होगा, 108 3 से नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही कॉपी करिए, ये आपका रेशियो 108/54/63। ठीक, क्लियर है, या फिर इसको आप 9 से रिड्यूस कर सकते हैं, ये 9 सारे हो रहे हैं, 9 से ही जाएगा, 108 जाएगा 12 times, 54 जाएगा 6 times और ये जाएगा 7 times। ठीक है, तो आप रेशो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर करेक्ट है। क्लियर, कॉपी करिए इसको। ये क्लास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 आपका होमवर्क रहेगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट दिए हुए हैं। कुछ पार्ट इसमें केस नंबर 2 सॉल्व होंगे और कुछ पार्ट इसमें केस नंबर 3 से सॉल्व होंगे। ठीक है, ये होमवर्क है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, मैं रीड करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। ये रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ए एंड बी का 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही अक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। सी आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में 1/3 प्रॉफिट के लिए, जो कि वो ए और बी से ले रहा है 1/3 को 2:3 के रेशियो में ए और बी से। ये केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, मैं लिखवाया था ना आइदर इक्वली और इन सम रेशियो, तो ये रेशियो दिया हुआ है केस नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। ठीक, आफ्टर सम टाइम दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर। कुछ दिन बाद कौन एडमिट हुआ, डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन दी प्रॉफिट विच यू अक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो कि अक्वायर कर रहा है इक्वली ए एंड बी से। यहां पर हम क्या करेंगे, शेयर निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे केस नंबर 2 से, और फिर न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/3 का, 1/3 को ए और बी को देना है 2:3 के रेशियो में। तो 1/3 का ए ने कितना दिया, 2/5, 3+2=5। ठीक है, ए ने कितना दिया, 1/3 का 2/5। ए ने सैक्रिफाइस किया 1/3 × 2/5 एंड बी ने सैक्रिफाइस किया 1/3 × 3/5। ठीक है, कितना सैक्रिफाइसिंग आ गया, ए का आया है 2/15 और बी का आया है 3/15। अब क्या निकालना है, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। फॉर्मूला पता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ए का ओल्ड कितना है, 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना है, 2/15। ठीक है, 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। अब 5 15 की टेबल में आता है 3 times, तो 3 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, 3 × 3 9 माइनस 15 आता है 15 टेबल में 1 time, तो 2 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, 2 × 1 2 कितना आ गया, 7/15। ठीक है, ये ए का आ गया। बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और बी ने सैक्रिफाइस कितना किया है, 3/15, एलसीएम आएगा 15, जैसे ऊपर निकाला। ठीक है, 5 आता है 15 में 3 times 15, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 हो गया। माइनस 15 आता है 15 में 1 times, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना हो गया 3, 6 minus 3 = 3/15। ठीक, अब सी आया है कितने पार्ट के लिए, 1/3 के लिए। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। यहां डिनोमिनेटर कितना करना है, 15 करना है। ठीक है, यहां फर्स्ट 1/3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा। किससे करेंगे, 5 से, 3 × 5 = 15, ऊपर भी 5 से करेंगे, कितना हो गया, 5। ठीक है, रेशियो क्या बन गया, देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7:3:5। ठीक, या तो ये तरीका है या दूसरा कैसे कर सकते हैं, ए का रेशियो आया 7/15, बी का आया 3/15। ठीक है, ये ए का, ये बी का, और सी आया था 1/3 के लिए, सी का रेशियो है 1/3। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी
इज इक्वल टू क्या नहीं रेशियो है 7 अपॉन 15 इज टू 3 अपॉन 15 इज टू 1 अपॉन 3। ठीक है, ये है। अब क्योंकि यहां पर 15 यहां 15 यहां 15 नहीं है तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे सो दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए तीनों का। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, आप निकालेंगे 15 आएगा। 15 की टेबल पे 15 आता है 1 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ गया 7। 15 आता है 15 टेबल पे 1 टाइम्स तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ गया 3 into 1 3। 3 आता है 15 टेबल में 5 टाइम्स तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, कितना हो गया 5। तो रेशो बन गया कितना है 7:3:5, ये तीनों का रेशो है। बात समझ में आई, या तो आप ऐसे करिए ये भी रेशो है ठीक है, या फिर आप ऐसे, ये दो तरीके आपको जो इजी लगे उसे सॉल्व करिए। ठीक, आई बात समझ में। अब आगे, अब आफ्टर सम टाइम दे एडमिट डी, कुछ दिन बाद डी एडमिट हुआ, जब डी एडमिट हुआ तो ए बी और सी का रेशियो क्या बन गया 7:3:5। ठीक है, डी एडमिट फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5 का इक्वली किससे ले रहा है, ए और सी से, तो सैक्रीफाइस कौन करेंगे ए और सी, तो पहले क्या निकाले सैक्रीफाइसिंग फिर न्यू रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन आफ्टर डीज एडमिशन, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रीफाइसिंग रेशियो। ए ने कितना किया, अब ए ने कितना किया है, कितना दे रहा है ये 1/5 का इक्वली, ए और सी इक्वली दे रहे हैं तो 1/5 का हाफ ए देगा, 1/5 का हाफ सी देगा, तो 1/5 का हाफ कौन देगा, ए कितना दे दिया 1/10 और सी कितना देगा 1/5 का हाफ, कितना हो गया 1/10। सैक्रीफाइसिंग आ गया, आप क्या निकाल ले न्यू रेशियो। सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, फॉर्मूला सबको पता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड कितना है, अब ओल्ड इस पर देखेंगे ठीक है, 7/7+3 10+5 15, 7/15, 7/15 -1/10, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 30, इसका एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 15 30 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 15 into 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर कितना आएगा 7 into 14, माइनस 10 आता है 30 टेबल में 3 टाइम्स तो ऊपर मल्टीप्लाई करिए 3 से, 1 into 3 3 कितना आ गया 11/30। ठीक है, बी बी का रेशियो क्या है 3/15, 3/15 ठीक है, कोई सैक्रीफाइस नहीं छोड़ दीजिए। सी का रेशियो क्या है 5/15, इसने कितना सैक्रीफाइस किया 1/10। ठीक है, ये समझ में आया, कितना आएगा एलसीएम 30, 15 के टेबल पर 2 टाइम्स तो 5 into 2 10, माइनस 10 आता है 30 के टेबल में 3 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1 into 3 3, कितना आ गया 7/30 और डी आया है 1/5 शेयर के लिए, तो ए का रेशियो ये है ठीक, बी का ये है 3/15, सी का है 7/30 और डी का है 1/5। ठीक, अब क्या करें, बी का है 1/5, therefore new ratio is equal to 11/30:3/15:7/30:1/5। ये न्यू रेशियो है ना ठीक है, ए का ये निकल आया, बी ने कुछ सैक्रीफाइस नहीं किया तो बी का कॉपी कर लिया, सी ने सैक्रीफाइस किया था, सैक्रीफाइस करने के बाद उसका ये आ गया और डी 1/5 के लिए आया, वो लिख दिया। अब क्या करना है, अब मैं इस तरह कराऊंगा ठीक है, इस तरह नहीं कराऊंगा, ये मैं ये स्टेप
नहीं कराऊंगा मैं, आप इस तरह कराऊंगा, ठीक। ये सब कर लिख लिया, डिनोमिनेटर सबका सेम नहीं है, सेम करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 30, 15, 35 का जब एलसीएम आप निकालोगे तो 30 आएगा। ठीक है, 30 1 times तो 11 into 1 11 is 2 15 आता है, 2 times तो 3 into 2 6 is 2 30 1 time तो 7 into 1 7 is 2 5 आता है, 6 times तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, कितना हो गया 1 into 6 6, ये आपका न्यू रेशियो बन गया। देयरफॉर न्यू रेशियो is equal to 11 is to 6 is to 7 is to 6। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं क्वेश्चन नंबर 8 के आगे कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने चारों केस आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, एलसीएम निकालना भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन में किस केस या किस मेथड के अकॉर्डिंग आपका न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में, ये जो मैंने 3 class 4 class लगा दी है सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में, इसलिए किया है क्योंकि पूरे चैप्टर में ये आपको निकालना पड़ेगा, तो इस पे अच्छे से करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 के आगे मैं कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।